चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान पर अनुयायियों की खुशी लहर, मिठाई बांटकर किया खुशी का इजहार। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री ने भारत रत्न देने का ऐलान करते ही उनके अनुयायी खुशी से उछल पड़े। भारत रत्न की घोषणा होते ही रालौर जिलाध्यक्ष केशव चौधरी की अगुवाई में अनुयायियों का मथुरा अड्डा स्थित प्रतिमा स्थल पर हुजूम उमड़ पड़ा। अनुयायियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जमकर आतिशबाजी व मिष्ठान का वितरण किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष केशव चौधरी ने कहा कि सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के गृह मंत्री हो और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। गौरतलब है कि लंबे समय RLD के सभी नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। माल्यार्पण करने पहुंचे चेयरमैन प्रतिनिधि सादाबाद राधारमण अग्रवाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के लिए निर्णय से मैं बहुत हर्षित हूं। चौधरी साहब ने आजीवन किसानों, मजदूरों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए काम किया। भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें भारत रत्न देने के निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।